ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन. ओके, तो क्या है, देखिए, बाय इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन हम बॉडी में जनरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे. ओके, जैसे कि इससे पिछले वाली वीडियो मैंने बताया, नेचुरल इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी. तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, डिजीज से फाइट करने की जो कैपेसिटी है वो हम वैक्सीन से अपनी बॉडी में डेवलप करेंगे. सो लेट्स डिस्कस इम्यूनाइजेशन. Well, immunization is a specific way to make someone's immune and prevent the spreading of disease. किसी को इम्यून बनाना, पावरफुल बनाना, किसके डिजीज को स्प्रेड होने से या उसको बीमार होने से, उसी को हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं. इट प्रोवाइड इम्यूनिटी और रेसिस्टेंट टू इंडिविजुअल थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन अगेंस्ट डिजीज. तो इसमें हम जनरली वैक्सीन्स को इंजेक्ट करेंगे बॉडी में, जिससे वो ऑर्गेनिज्म जनरली इम्यून हो जाएगा कि उससे उसे फ्यूचर में वो प्रॉब्लम या वो डिजीज नहीं होगी. वेल, वैक्सीनेशन क्या है, देखिए, वैक्सीनेशन इज कैरीड आउट बाय इंजेक्टिंग वीक फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स टू सेंसिटाइज द बॉडीज ऑफ एन इंडिविजुअल. जनरली एक वीक माइक्रोब को एक्सट्रैक्ट किया जाता है जो दूसरे माइक्रोब की एक्टिविटी को क्या करे, रिड्यूस करे, और उसी वीक माइक्रोब को इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. तो अगर इन फ्यूचर वो ऑर्गेनिज्म के हम कांटेक्ट में आए, उस माइक्रोब के कांटेक्ट में आए, तो बॉडी उसको इजीली आइडेंटिफाई करके, मेमोरी सेल्स हैं उसके लिए, मेमोरी सेल आइडेंटिफाई करेंगे और उसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर लेंगे. सो द वैक्सीन्स स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम इन सच अ वे दैट इट ओनली स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बट ऑल्सो जनरेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी सेल्स अगेंस्ट डिजीज. एज आई टोल्ड यू, मेमोरी सेल्स जनरेट हो जाएंगे जो बता देंगे कि ये पर्टिकुलर वो वाली डिजीज है, तो उसके लिए आपको ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को वहाँ पे भेजना है, तो वहाँ पे उनकी रिएक्शन होगी उस एंटीजन के साथ में, ठीक है, और बिल्कुल वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा. तो कौन कौन सी ऐसी कॉमन सी वैक्सीन्स हैं, देखिए, पल्स पोलियो प्रोग्राम है जो इंडिया में रन किया जाता है, जिससे OPV ओरल पोलियो वैक्सीन्स 5 साल से नीचे जो बच्चे हैं उनको दी जाती है, ठीक है. BCG की वैक्सीन दी जाती है, जनरल ट्यूबरक्लोसिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. BCG की वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस में दी जाती है. DPT एक दूसरी वैक्सीन है जिसमें डिप्थीरिया, पर्सिट्विस और टिटनेस, ठीक है. पर्सिट्विस को हम बोलते हैं जनरली वूपिंग कफ, ठीक है. तो हम सभी ने देखा है और जनरली इसके दर्द को महसूस भी किया है जब वैक्सीनेशन होता है प्रॉपरली. तो घर में सबके एक चार्ट सा होगा, वैक्सीनेशन चार्ट, जो हमको जनरली टिल बर्थ से लेकर अराउंड 14 टू 16 ईयर तक प्रॉपरली वैक्सीनेशन किया जाता है. तो उसमें हर एक वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन होगी कि कौन सा बूस्टर था, कौन सी फर्स्ट वैक्सीन थी, राइट. तो इससे आपको और जानकारी मिल जाएगी. तो थोड़ा सा मैं आपको वैक्सीन के पिछले इतिहास में लेके जाना चाहता हूँ कि क्रोनोलॉजी क्या है, कैसे वैक्सीन बनी. वेल, जो फर्स्ट वैक्सीन जो प्रिपेयर की थी वो की थी एडवर्ड जेनर, ठीक है. एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट थे, ओके जी. एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की थी और वो वैक्सीन थी स्मॉल पॉक्स की, ओके. तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, स्मॉल पॉक्स की पहली वैक्सीन जो डिस्कवर की थी, या फिर कहें पहली वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में, तो डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर ने, तो कब की थी, 1796 के अराउंड में, ठीक है. अब इसकी भी एक हिस्ट्री है, तो थोड़ा सा एक कहानी के फॉर्म में इसको समझते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ कि जनरली 17th और 18th सेंचुरी में जनरली जो ब्रिटेन था वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था उस टाइम पे स्मॉल पॉक्स से, ठीक है. तो स्मॉल पॉक्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज, ठीक है, स्पेशली यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक थी ये डिजीज़. तो जनरली एडवर्ड जेनर जो एक साइंटिस्ट थे, जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने देखा कि जनरली उनकी जो मिल्क मेड है, ठीक है, उसे काउ पॉक्स था, ठीक है, उसे काउ पॉक्स था, ठीक है. और अगर वो जनरली किसी भी स्मॉल पॉक्स इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आती है तो उसे कोई भी साइन एंड सिम्टम शो नहीं होते, ठीक है. अब उस टाइम पे जनरली यूरोपियन कॉन्टिनेंट में दो टाइप की डिजीज चल रही थी, एक था स्मॉल पॉक्स, एक था काउ पॉक्स. अब जो काउ पॉक्स था ये जनरली काउ और अदर एनिमल्स में होता था, ठीक है, तो ये ज़्यादा ड्रेडफुल नहीं था, ज़्यादा फेटल नहीं था, ठीक है. लेकिन स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा फेटल था, इससे पर्सन की ऑन द स्पॉट कुछ टाइम के बाद ही डेथ हो जाती थी, क्योंकि इसका परमानेंट ट्रीटमेंट उस टाइम तक डेवलप नहीं हुआ था, राइट. तो काउ पॉक्स उतना ड्रेडफुल डिजीज़ नहीं था,
तो जब उन्होंने अपने क्लिनिक में देखा, तो साइंटिस्ट के साथ साथ में एक फिजिसिस्ट भी थे, डॉक्टर भी थे, तो उन्होंने देखा कि उनके क्लिनिक में जब उनकी जो मिल्क मेड है जैसे काउपॉक्स है, जब वो पेशेंट को ट्रीट करती है तो उसे कोई भी साइन और सिम्टम शो नहीं होते, ठीक है, लेकिन अदर कोई पर्सन आए तो उसे हो जाते हैं, उसे भी स्मॉल पॉक्स हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, और 8 साल का एक बच्चा था जेम्स, ठीक है, 8 ईयर का एक लड़का था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था जेम्स। तो उन्होंने जब जेम्स पे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने सबसे पहले उसको काउपॉक्स करवाया, ठीक है। जब उसे काउपॉक्स हुआ जेम्स को, तो क्या हुआ कि काउपॉक्स के सिम्टम शुरू हुए, ठीक है। काउपॉक्स की जब सिम्टम स्टार्ट हुए तो जनरली उसके जो टिश्यूज थे उसमें थोड़ा सा वुंड हुआ, ठीक है, स्कार होने लग गया स्किन में, और हल्का थोड़ा बहुत पस वगैरह जनरेट होने लग गया। तो ये सिम्टम्स थे कि पस फॉर्म होने लग जाता है टिश्यूज में, स्किन में स्पेशली, ठीक है, थोड़ा बहुत स्कार होता है, हल्का फुल्का फीवर होता है, और आफ्टर 1 वीक जो जेम्स था वो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब काउपॉक्स से वो क्योर हो गया, मतलब उसकी बॉडी में वो सेल्स फॉर्म हो चुकी हैं जो काउपॉक्स से फाइट करके एंटीबॉडीज फॉर्म कर चुकी हैं, राइट। उन्होंने फिर आफ्टर 1 वीक उसी को, जेम्स को, फिर से स्मॉल पॉक्स करवाया, तो उन्होंने देखा कि जेम्स में स्मॉल पॉक्स के कोई भी सिम्टम्स अपियर नहीं हुए, ठीक है। हम अगेन रिपीट कि उन्होंने पहले उसको काउपॉक्स करवाया, फिर उसमें स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो एंटर किया, तो उन्होंने देखा कि उसमें स्मॉल पॉक्स के कोई भी सिम्टम्स शो नहीं हुए। इट मीन्स दैट उसने अपनी बॉडी में स्मॉल पॉक्स के लिए एंटीबॉडीज बना ली हैं, ठीक है, और जैसे ही स्मॉल पॉक्स का वायरस बॉडी में एंटर हुआ तो उसकी मेमोरी सेल्स गई वहाँ पे और उन्होंने उसको बिल्कुल झट से न्यूट्रलाइज कर लिया। तो यही क्रोनोलॉजी है, यही हिस्ट्री है कि जिससे वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स बनी। तो इसी वजह से जो ये वर्ड आया वैक्सीनेशन, ये एडवर्ड जेनर ने कैसे दिया, देखो ये वर्ड है वैक्सा। वैक्सा जनरली एक लैटिन वर्ड है, ओके, जिसका मतलब होता है काउ, ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो काउ पॉक्स से बनी थी, तो इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया वैक्सा, ठीक है। तो वैक्सा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है काउ, जिसको आज हम कॉमनली वैक्सीनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये इतिहास था वैक्सीनेशन बनाने का, जो एडवर्ड जैनर फर्स्ट ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वैक्सीन्स प्रिपेयर की थी।